आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स ago एक एक्सप्लोजन हुआ जिसको दुनिया बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से जानती है। इस एक्सप्लोजन के ज़रिए सर सुई के हज़ारवें हिस्से से भी छोटा पार्टिकल बहुत सारे हैवी मासेस में ट्रांसफॉर्म हुआ। उन बहुत सारे हैवी मासेस में से एक मास आपका अर्थ है जिस पे आज मैं, आप और हम सभी लोग रहते हैं। इस अर्थ का कयाम आज से 4.54 बिलियन ईयर्स ago हुआ और इसका एरिया तकरीबन 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। यानी अगर हम इसके एरिया की बात करें जो डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज़ और फिर डिफरेंट लोकेशंस में डिवाइड है, तो अगर हमें इस पूरे ग्लोब के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करना हो, एड्रेस करना हो, तो वो काम इंतहाई मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस मुश्किल को आसान बनाया गया GCS सिस्टम के थ्रू। GCS स्टैंड फॉर ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जो है वो इस पूरे ग्लोब को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, ठीक है। और ये डिवीजन हुई विद द हेल्प ऑफ इमेजनरी लाइंस, जिन इमेजनरी लाइंस को आप पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इन दोनों को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा लैटिट्यूड की। अच्छा जी, लैटिट्यूड इज़ अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाइज द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जो प्लेस है या लोकेशन है वो नॉर्थ टू साउथ कहाँ पे लाई करती है, ये आपका लैटिट्यूड बताता है। और ये लैटिट्यूड होता क्या है, ये बेसिकली एंगल होता है इक्वेटोरियल प्लेन और उस लाइन के दरमियान जो उस प्लेस से और ओरिजिन से गुजर रही है। यानी अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे या कोई लोकेशन यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो वो बेसिकली 30 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसके थ्रू आप जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जी ये जो भी लोकेशन है वो कहाँ पर है। अच्छा, अब जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, डिग्री और डिस्टेंस का क्या आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने जो है वो ग्लोब को और डिग्री के हिसाब से तो डिवाइड कर दिया, लेकिन डिग्री और डिस्टेंस का रिलेशन ये है कि 69.2 माइल्स जो है वो आपका एक डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और डिग्री के बाद फिर ये जो फर्दर एक डिग्री है इसको भी डिवाइड किया जाता है एक डिग्री को 60 मिनट्स में। यानी कि एक डिग्री के भी फर्दर इक्वल पार्ट्स होते हैं 60, जिनको मिनट्स कहा जाता है। और फिर 60 में से हर एक मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से डिविजन्स होती हैं इस पूरे ग्लोब की। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैटिट्यूड यानी कि एंगल नॉर्थ टू साउथ के कहाँ पर जो है वो लोकेशन लाए कर रही है। तो इस एंगल के हिसाब से हमने कुछ अहम लैटिट्यूड को जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहला जो भी आपकी लाइंस हैं, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे पैरेलल किस तरह बनते हैं। अच्छा, जो डिफरेंट एंगल्स थे आपके, जब आपने जो है वो डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे लिए, तो वो पॉइंट जो सेम एंगल पे लाए कर रहे थे, हमने उन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना दिया। तो जब हमने डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट लाइंस बनाई तो पता ये चला कि ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थी और इसी वजह से इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो इस तरह से पैरेलल लाइन डिफरेंट एंगल पर हमारे पास आ गई अक्रॉस द ग्लोब। अब जो लाइन ज़ीरो डिग्री के ऊपर लाया करती थी उसको हमने इक्वेटर का नाम दिया, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी लाइन जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन से ज़ीरो डिग्री के ऊपर पैरेलल जो लाइन थी उसको आपने इक्वेटर कहा। फिर आपने 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो रीजन था उसको आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा, यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह 23.5 साउथ तक जो रीजन था उसको आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा। अच्छा, अब ख़ास बात यह है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो रीजन है ये ट्रॉपिक रीजन कहलाता है। और यहाँ पे जो आपका वेदर होता है उसकी कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इस रीजन के अंदर, ट्रॉपिक रीजन के अंदर जो है वो आपके डेंस फॉरेस्ट हैं और हैवी रेनफॉल जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती है।
ठीक है जी। इसके बाद जो है आपका रीजन है 23.5 से 66.5 तक आर्कटिक सर्कल, और यहाँ से 23.5 से 66.5 तक आपका एंटार्कटिक सर्कल, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का, ये वो रीजन है जहाँ पे आपके चारों के चारों सीज़न एक्सपीरियंस किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान जो कि 30 डिग्री नॉर्थ पर जो है वो लाइक करता है, तो यहाँ पर चारों सीज़न है, आपने देखा सर्दी गर्मी बहार और ख़ज़ा। ठीक है जी, तो ये जो इस रीजन में पर्टिकुलर प्लेसेस हैं उनकी ये खासियत है। ठीक है, फिर अगर 90 डिग्री पे आप चले जाएं तो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आते हैं। तो ये तो कुछ स्पेशल जो है वो आपके पैरेलल थे। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, कि लॉन्गिट्यूड क्या है। तो जिस तरह से आपका लेटिट्यूड जो है वो नॉर्थ टू साउथ आपकी पोजीशन को, लोकेशन को लोकेट करता था विद रिस्पेक्ट टू एंगल, यहाँ पे जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करता है। यहाँ पे भी डिवीज़न उसी तरह से हैं, 1 डिग्री 69 माइल्स के बराबर है। ठीक, 69 माइल 1 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, वहाँ पे जो हमारे पैरेलल्स थे वो एक दूसरे के पैरेलल थी लाइंस ना, लेकिन जो मेरिडियन होते हैं ना जो आपके लॉन्गिट्यूड के, वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते। और ख़ास बात यह है कि विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट टूवर्ड ईस्ट एंड वेस्ट जो है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पे देखें, ये डिस्टेंस ज़्यादा था, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये हुआ, इसी तरह से यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कम हुआ, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एक और चीज़ जो है वो आपको हेल्प करती है कि लॉन्गिट्यूड में जब आप 50 डिग्री जो है वो मूव करते हो तो आपका जो है वो 1 घंटा चेंज हो जाता है। यही वजह है कि ग्रीनविच जो है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, और वहाँ से फिर जो है जो जो प्लेसेस जितना डिग्री आ गए, जैसे पाकिस्तान 70 डिग्री जो है वो लॉन्गिट्यूड पे लाइक करती है, तो 70 डिग्री का मतलब यह है कि 15 डिग्री से एक, तो तकरीबन जो है वो आपके 5 घंटे बनते हैं इस तरह। ठीक है, 70 पे आपका लाइक, तकरीबन 5 घंटों का फ़र्क है। तो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GTM+5 कहलाता है, GTM+5। तो वो इस तरह से जो है वो मेजर किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस का टाइम पूछा जाए और आपको उसका लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड मालूम हो, लॉन्गिट्यूड भी मालूम हो, तो आप उसका स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो डिविजन्स होती हैं वो इस तरह से, यानी कि ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट जो है वो एंगल आप यहाँ से मेजर करते हो। ठीक है, फिर आपका जिस तरह से वहाँ 0 डिग्री के ऊपर जो है वो आपका लेटिट्यूड के अंदर जो है वो इक्वेटर था, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन कहलाता है जो आपका 0 डिग्री के ऊपर होता है। 0 डिग्री जो कि आपका लॉन्गिट्यूड के साथ होता है, तो उसको आप प्राइम मेरिडियन कहते हो। ठीक है, और यही जो है वो ग्रीनविच से भी पास होता है, जो स्टैंडर्ड टाइम की मैंने आपको बात बताई। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिखाए हुए हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, और ये भी देखा जा सकता है कि जैसे जैसे एंगल जो है वो इसका जो है वो पड़ता जा रहा है, ये दरमियान में डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को जो है वो लोकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड। ठीक है, अगर समराइज़ करूँ तो आपका लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट उसकी लोकेशन बताता है, और जो आपका लेटिट्यूड है वो आपका नॉर्थ टू साउथ उसकी लोकेशन को बताता है। ठीक है जी, ये थी शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे आप लोगों ने मुझे मेल की, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक छोटी छोटी वीडियोस कॉन्सेप्ट के साथ बनाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।